मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार, इस नए सर्वे ने दिए चौंकाने वाले आंकड़े। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। इस बीच कई ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी को अपने अपने स्तर पर बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है। अब एक और ओपिनियन पोल सामने आया है। इंडिया टीवी CNX के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बन सकती है। इसके अनुसार बीजेपी को मध्य प्रदेश में 44% वोट शेयर मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिलने की संभावना इस ओपिनियन पोल में जताई गई है। अन्य के खाते में भी 13% वोट शेयर जाते हुए इस ओपिनियन पोल में दिखाया गया है। ओपिनियन पोल में जनता किसे CM के रूप में अधिक पसंद कर रही है उसे लेकर भी संभावनाएं जताई गई हैं। ओपिनियन पोल में शिवराज को बताया CM के रूप में पहली पसंद। इंडिया टीवी CNX के इस ओपिनियन पोल में CM के रूप में जनता की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान को बताया गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में 44% जनता फिर से CM बनते हुए देखना चाहती है। वहीं 39% जनता ने अपने CM के रूप में पहली पसंद कमलनाथ को बताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 9% जनता CM के रूप में पसंद कर रही है और सबसे कम सिर्फ 2% जनता ने CM के रूप में दिग्विजय सिंह को अपनी पसंद बताया है। इससे पहले अब तक 5 ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं और ये 6वां ओपिनियन पोल है। अधिकतर ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है, लेकिन इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।